अगर मैं आपसे ये पूछूं, रूटीन लाइफ से बोर होने पे खुद को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते हो, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली हम लोग ब्रेक लेते हैं। आज 2 अप्रैल है और दिन आज रविवार का है। तो दोस्तों, गुजरे 4 महीनों की लंबी रूटीन लाइफ के बाद आज समय है रूटीन लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेने का। कहाँ? ऋषि पराशर जी की तपोस्थली पराशर लेक पे। मंडी टाउन से ये लेक करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। खूबसूरत वैलीज और लंबे देवदार के पेड़ों से होते हुए हमारे पास काफी समय रहता है इस ट्रिप को बिंदास एंजॉय करने का। इतनी देर से ना हिंदी गाने सुना रहा है भाई मेरा, अब हम सुनेंगे लोकल फ्लेवर। इन खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते करते कब वो 5 घंटे बीत गए और कब हम लोग पराशरधार आ पहुंचे हमें पता ही नहीं चला। मीट 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 है मुआ। मेरा पराशर पे ये तीसरा चक्कर है मतलब, और ये लोकेशन इतनी जबरदस्त है। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की चीज़ है वो यहाँ की वाइब, जिस वाइब की तू बोल रहा है मतलब काफ़ी रिलैक्स फील होता है। मतलब अगर आप झील के किनारे 10-15 मिनट बैठ जाओ तो ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कितनी देर से मेडिटेशन में बैठे हो, मतलब एकदम शांत। जितना भी दिमाग में शोर शराबा होता है थोड़ी देर बैठते हैं और ये सब का सब साफ हो जाता है। मतलब काफ़ी रिलैक्स फील होता है, काफ़ी लाइट फील होता है। आज पता नहीं उतना टाइम लगेगा हमें नहीं लगेगा, बट कोशिश यही होगी थोड़ा टाइम यहाँ पे गुजारे, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ काफ़ी काफ़ी हैक्टिक हो चुकी है। आसमान में फिर से बादल, आज बादलों की आंख बिचोली हमारे साथ चल रही है। बंदे को गर्मी लग रही है, देखो हूँ बदल ओड़े हूँ दोबारा दे। इस जगह पे जितनी बार आओ यार उतनी बार वही फीलिंग है, सेम फीलिंग। वाह ऑसम। तो यह है 13th century का पराशर जी का मंदिर, और अंदर जाने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इस खूबसूरत जगह और पराशर ऋषि जी के बारे में। तो सप्त महाऋषियों में से एक ऋषि वशिष्ठ जी की ये पौत्र थे। इनके पिता का नाम शक्ति मुनि और माँ का नाम अदुष्यंती था। ये एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्हें धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वास्तुकला, आयुर्वेद, नीति शास्त्र हर चीज का ज्ञान था। विष्णु पुराण की रचना करने वाले भी यही हैं। मत्स्य गंधा से महर्षि पराशर की संतान हुई ऋषि वेदव्यास जी, जिन्होंने आज तक के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना करी। प्रेजेंट डे पराशर लेक से पहले इन्होंने 2 और जगह झील बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। फाइनली उन्होंने ये वाली जगह को चुना और लोक कथा के अनुसार इन्होंने चिमटा मारकर यहाँ से पानी निकाला, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ। अब इस झील का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये फ्लोटिंग आइलैंड है, जो कि स्टेशनरी नहीं है, और इस फ्लोटिंग आइलैंड की पोजीशन सीजन बाय सीजन चेंज होती रहती है। कई लोग इस मूवमेंट को सन के अराउंड अर्थ की जो मूवमेंट है उसे रिलेट करते हैं। वेल यू नेवर नो। क्या आप लोग जानते हैं ऋषि पराशर जी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फादर भी माना जाता है। ऋषि पराशर जी ने यहाँ पे लंबे समय तक तपस्या करी। 1301 ईस्वी में मंडी के महाराजा राजा बाणसेन ने उन्हीं की याद में यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर पैगोड़ा शैली पर आधारित था और इस मंदिर को बनाने के लिए एक ही पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। आज मंदिर में थोड़ी भीड़ है, लेकिन हम लोग किसी तरीके की जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे पवित्र देवस्थलों का अपना ही पॉजिटिव ऑरा होता है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा समय जरूर बिताना चाहिए। जैसे ही आप इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं,
तो आपका मन शांत हो जाता है, आपको एक आंतरिक खुशी का अनुभव होता है जिसको कि शब्दों में बयान कर पाना थोड़ा कठिन है। मंदिर के गर्भगृह में पराशर जी की दो मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें से ये वाली मूर्ति को भक्तजन बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, अंदर जाने की अनुमति और किसी को नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक अनोखी मान्यता और भी है। जैसे कोई बंदा अपनी कोई समस्या या शंका लेके पुजारी के पास जाता है तो पुजारी उसको बदले में चावल के कुछ दाने दे देते हैं। वो बंदा उन चावल के दानों को गिनता है और पता लगाता है इवन है या ऑड। अब इस इवन और ऑड के बेस पे पुजारी उसके समस्या या शंका का समाधान करते हैं। इंटरेस्टिंग इजंट इट? यकीन मानिए, दर्शन के बाद आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए दोबारा उस कोने में जाके बैठ जाते हैं और समय को अपनी आंखों के सामने से गुजरने देते हैं। इस मंदिर के अगर आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये मंदिर, जैसे कि मैंने पहले बताया, पैगोडा शैली में बना हुआ मंदिर है। और इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये काठकुनी स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। काठकुनी स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लोग मोर्टार का यूज़ किए बिना सिर्फ लकड़ी और पत्थर की सहायता से कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे कि इस मंदिर में मेनली हुई हुई है। इस्तेमाल की गई सारी लकड़ी यहाँ पे देवदार की है, चाहे वो फिर फ्लोर की हो या फिर रूफ की। यहाँ एक और ऐसी चीज़ है जो हर टाइम आपके सामने रहती है और आप उसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की वुड कार्विंग्स की, माने लकड़ी की नक्काशी। बनाने वालों ने एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने कारीगरी की छाप ना छोड़ी हो। पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स ब्यूटीफुल डिजाइन से भरा पड़ा है। कई कई डिजाइन तो इतने यूनिक और इतने बारीक हैं, ये आपको हैरान कर देंगे। जैसे कि आप इस वाले डिजाइन को देखिए, यू कैन इमेजिन अ फेस, राइट? अब आप इस वाले डिजाइन की प्रेसिजन को देखिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की बारीकी का काम आजकल के टाइम में मशीनों के बगैर किया जा सकता है? इस बार पराशर में अपना एक कैमरा लेके गया था तो मैंने वहां पे कुछ रैंडम क्लिक्स किए। थोड़े बहुत क्लिक्स उसमें ऊपर वाले फ्लोर से भी थे। यकीन मानिए, उस समय तो मैंने उतना कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने जब उनको केयरफुली देखा तो उनमें से कुछ ऐसे डिजाइंस थे जो बिल्कुल ही चौंका देने वाले थे। अब आप इस वाली कार्विंग को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आपको दो फेमिलियर डिजाइंस देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जूम करने पे हम लोग ये देखते हैं कि इस डिजाइन में दो लोग हैं, जिनमें से एक के पास त्रिशूल है और बैल जिनके पैरों के पास बैठ रखा है, तो पॉसिबली ये तो महादेव शिव और माँ पार्वती जी हैं। अब आप इस वाले डिजाइन को अगर ढंग से देखेंगे तो आपको यहाँ पे चार भुजा वाला कोई देवता दिखेगा। जो पिछले वाले दो हाथ हैं उनकी जो उंगलियां हैं कुछ अजीबोगरीब किस्म की है। एक हाथ में यहाँ चक्र है और दूसरे हाथ में गदा। तो ये वैसे तो भगवान विष्णु को इंडिकेट करते हैं, बट अगर आप उनके वाहन की तरफ देखेंगे तो ये कुछ स्पाइडर जैसे मालूम होता है। तो जैसे कि मैं और आप जानते हैं, भगवान विष्णु का जो वाहन है वो गरुड़ है। तो फर्दर सर्च करने के लिए हमने इंटरनेट पे भी ट्राई करा, बट कुछ भी कंक्लूसिव नहीं मिला। ऐसी ऐसी इंट्रीगिंग कार्विंग्स आई एम श्योर और भी बहुत होंगी, अनफॉर्चुनेटली मैं इन दो पे ही फोकस कर पाया। हमने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फोटोज क्लिक करे, IIT मंडी से कुछ स्टूडेंट्स थे उनके लिए फोटोज क्लिक करे, साथ में चाय लाए थे। तो जैसे ही चाय पीने लगे रियलाइज हुआ कि वहाँ पे चाय नहीं पी सकते, तो हमने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चल पड़े झील की तरफ। बारिश आएगी, देख आ गई ना। क्या करा लल, खोल खोल नहीं चाय बना और चाय बोला मैं। बहुत गर्म भाई, बहुत गर्म। हां आती ना भगो यहां ले उठती है। सारे जल्दी जल्दी चल। अब इस भाई साहब को खुजली लगी है कि हम उस वाले पहाड़ पे चढ़ के मतलब फोटो खिंचवाएंगे। ये फोटो खिंचवाएगा, मतलब मैं एक उस पे देखा था, वहां से ना वो जो है बड़ी तगड़ी फोटो आती है।
फोटो से मतलब वहाँ से अच्छा व्यू है। वैसे आप काफी ब्लॉग्स बनाते रहते हो, ये मेरा आपके साथ दूसरा ब्लॉग है ना, पहले वाला ब्लॉग भी पहले वाला फुस था फुस पटक्का था पहला। काफी स्टीप पहाड़ी है ये भी, चल 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 चल, मतलब सांस ऊपर नीचे हो गई मेरे तो। बुढ़ा नजरी बोले, अच्छा ये बंदा बोला कि दौड़ते हैं, ये तो चल ही नहीं बोला, कहाँ दौड़ना है, चली चली सा उन्नीकी हो यार, यहाँ से क्या है भाई साहब, ये तो भी बढ़िया है। और भाई 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 वो देखो वो क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ये आईटी मंडी वाली पार्टी ना, वो देखो लड़कियां भी जा रही हैं अभी, मुझे लग रहा है कुछ बना रहे हैं यार, क्या है उसले तो नहीं बना दे तू दिया है, क्या पता टपरू लाया कुंडे चढ़ना कहाँ गया है, थोड़ा जूम घट कर ला, टपरू लाया चढ़ना है ना, रात इतनी कटनी होनी सारे ना आगो को बाल गए अल्टीमेट व्यू नहीं, बहुत अल्टीमेट है, जबरदस्त है वो यार, मतलब बादल तो हर कुछ दिख रहे हैं, वो देख रहा तू वो जो टापू है, और अब टाइम था इस खूबसूरत झील की परिक्रमा करने का। जल्दी चल भाई, ये परिक्रमा क्यों करते हैं, कोई मान्यता है इसकी? नहीं मान्यता, तक मान्यता तो कोई नहीं है, बट बनाया है परिक्रमा। हाँ मुझे भी नहीं पता है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, और ये जो टापू है ये वो फ्लोटिंग आइलैंड है, ये मतलब हर साल में घूमता ही रहता है, कभी ये आपको इधर मिलेगा, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे। जैसे हमने परिक्रमा शुरू करी, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, देखते ही देखते मौसम ने एकदम करवट ले ली, और सभी जितने भी गेट है ना सभी जगह पे ताले लगे हुए हैं, बंदे आके ना यहाँ पे जैसे अपना गंद फंद फेंक के जाते हैं, मतलब मणि महेश की झील देख, इतनी पवित्र झील ना है, और बंदे वहाँ पे भी वैसे ही मतलब आएंगे नहाएंगे अपने कच्चे बनियान वहीं पे डाल के चले जाएंगे, किसी का हाथ रह गया इधर, तेरा ही होना है, इसी से होता नहीं अब इस झील में एंट्री बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, रीज़न शायद ये हो सकता है पास में कोई बुद्धिजीवी शायद यहाँ पे घुस गया हो और उसने यहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान रखा हो, जिससे खुश हो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद यहाँ पे ताले ठोक दिए हों। एनीवेज इस झील के किनारे हर साल एक मेला आयोजित होता है और इसमें घाटी के दूसरे देवी देवता भी पार्टिसिपेट करते हैं। कब वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश में बदल गई पता ही नहीं चला, 5 मिनट 10 मिनट देखते देखते 1.5 घंटा बीत गया और बारिश के रुकने का नामो निशान नहीं था। जिस चीज़ का डर था वही हुआ ना, इतनी भयंकर बारिश पड़ी ना मेरे भाई, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना शाम का ये और दिक्कत देने वाला, तो इसलिए बेटर यही कि भागे वैसे। जब हमारे सवर ने फिर जवाब दे दिया, हम लोगों ने वहाँ से फिर दौड़ लगा दी। ऊपर ना गोले ऊपर ऊपर गोले ओले ऊपर ओले पड़ने स्टार्ट हो गए, आप अंदाज़ा लगा लो, मतलब एकदम मौसम चेंज हो गया एकदम से है ना, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मतलब हाथ तो ऐसे जैसे मतलब कोई सुई चुभ हो रहा है, नहीं बहुत बहुत बुरा हाल, बुरा मतलब इमेजिन नहीं किया था यार मैंने, नहीं किया था मतलब इमेजिन ऐसा हो जाएगा, मतलब और अभी भी देखो यार स्क्रीन पे देखो, मतलब अभी भी ओले गिर रहे हैं, वो बंदा गाड़ी निकालने लगा उसका टायर स्किड हो रहा था और उसको देख के मतलब मैं डर गया, मैंने यार ये अब क्या होगा अब क्या करेंगे, चल चल तो चलना देख कुछ ज़्यादा ही नहीं ना, नहीं चलना निकलना है तो चला ही लेना बाइक पर मार ले। और एक और ट्रेजडी हो गई हमारे साथ, ये वाइपर जो है ये काम करना बंद गए बंद कर गया यार, सिर्फ ये वाला चल रहा है उस तरफ का तो है ही नहीं, इसे कहते हैं मतलब
when adventure turns into horror. ऊपर क्या पे ओ यार ये पूरी पहाड़ी मतलब बर्फ नहीं है सनाट है यार चीज गलत हो गई यार ये मतलब ना रुक 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 चल उस पक्के हो गए हो रे यार क्या पूछो दी भाई ये ताजा ताजा स्नोफॉल है यार नहीं स्नोफॉल तो नहीं है स्नोफॉल ही है ना ओ ट्रैक पर चलना है ये ट्रैक में मत चलना अगर बाइक से होते तब क्या होता ओह भाई साहब फ्रेश ओला और ये बंदे रुके हुए हैं यहाँ पे मतलब अकेला दे बंदे ओले होंगे बट ये ओले नहीं ये बर्फ है ओ इतनी बारिश हुई है नालियां बन गई अप्रैल में है बर्फ अप्रैल में वही तो अगला आज 3 अप्रैल है 2 अप्रैल ना 2 अप्रैल है और देखो अभी भी बर्फ पड़ रही है तो आप अंदाजा लगा ही लो ये बर्फ ना अगले 2 बोर्ड छोड़ के खत्म हो जाएगी